गलत पोजीशन में एक्सरसाइज करने से होने वाली परेशानियां, आपके पैरों का सुन्न हो जाना, पैरों में झंझनाहट होना, साथ ही आपके पैर में बहुत तेज दर्द होना। आखिर क्या है इसका रीजन? आपकी कमर में सैटिका नस का ब्लॉक हो जाना या उसका ब्लॉक होने की तैयारी में होना। आज हम जानने वाले हैं इन सभी बीमारियों से बचने का उपाय, कैसे दबी हुई नस को खोला जाता है और किस तरीके से कमर की जो ब्लॉक होती है, जैसे कि साइटिका हो गया, पैरों में सुनपन हो गया, एक पैर में सुनपन हो गया, कुछ लोगों को बहुत ज्यादा दर्द रहता है, कुछ लोगों को सुनपन रहता है, उसको हम यहां पर कैसे ठीक करते हैं, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। देखिए, ये एक प्रॉब्लम होती है साइटिका। पहले हम देखते थे कि ये एक ही जगह पर, नॉर्मली हम देखते थे कि यहाँ से निकल करके, लेफ्ट हैंड साइड से निकल के एक नस जाती थी साइटिका, जिसकी वजह से आपके पैरों में एक सुनपना कह सकते हैं या एक दर्द सा रहता था, झंझनाहट जैसे चींटियां चलना जैसा लगता था। अब क्या है कि अब ये दोनों पैरों में होने लग गई है। अधिकतर हमारे पास में पेशेंट आते हैं, वो कहते हैं सर हमारे तो दोनों ही पैरों के अंदर है, तो उसका हम ट्रीटमेंट करते हैं और किस तरीके से करते हैं आज मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए, सबसे पहले क्या है कि हम यहाँ पर पता कर लेते हैं हाथों के उससे ही कि जो ये एरिया है ये ऊपर की तरफ ना हो। अगर ऊपर की तरफ होता है तो हम इसको हल्का सा प्रेस करके एक जगह पे सेट करने की कोशिश करते हैं ताकि पेशेंट को कोई परेशानी ना हो। जब ये हो जाता है तो उसके बाद में हम पैर को मोड़ लेते हैं, पैर मोड़िए, और यहाँ से एक बारी एक उंगल ऐसे नाप लेते हैं जिससे हमें यहाँ पता लग जाता है कि हमें यहाँ पर अच्छे से अपनी कोहनी के द्वारा अच्छे से उसको एक कह सकते हैं मसाज देनी होती है, जिससे कि जो नस है वो ब्लॉक नस खुल जाए। धीरे धीरे करने के बाद में हम पूरे के पूरे जो ये पोर्शन है हिप्स का उसके ऊपर पूरे में करते हैं और बिल्कुल आराम से करते हैं, कोई जल्दबाजी नहीं करते इसके अंदर। इससे क्या होता है कि जो ब्लॉक नसें होती हैं वो खुल जाती हैं। इस पैर पे करने के बाद में फिर हम दूसरे पैर पे करते हैं। एक बार इसको मोड़ लीजिए, बिल्कुल आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं होगी। जब हम इस पे भी कर लेते हैं तो पैर को सीधा कर देते हैं। सीधा करने के बाद में यहाँ पर आप देखेंगे कि सेंटर पे एक लाइन होती है, उस लाइन पे अपनी कोहनी को रख के हल्का सा नीचे की तरफ दबाते हैं ऐसे। इससे क्या होता है कि जो नसें ब्लॉक हो गई हैं, साइटिका हो गया है, पैरों में सुन्नपना रहता है, वो धीरे धीरे आपको काफ़ी अच्छा महसूस होने लग जाएगा और आप बहुत ठीक हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम बार बार चेक करते हैं कि कहीं कोई ऐसी परेशानी तो नहीं है जिसकी वजह से जो L5S1 के अंदर नस ब्लॉक हो गई है उसको पहले ठीक किया जाए, या उसकी वजह से कुछ ऐसा तो नहीं है कि सुनपन हो रहा है, या उसकी वजह से ऐसा तो नहीं है कि पैरों में दर्द या झंझनाहट जैसा लग रहा है। तो इस तरीके से हम सभी पेशेंटों को यहाँ पर देखते हैं और इस तरीके का ट्रीटमेंट भी करते हैं। तो आशा करता हूँ आपको मेरी बात समझ में आई होगी। मेरा नाम है नीरज कुमार, मैं एक न्यूज़ थेरेपिस्ट हूँ नई दिल्ली में। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।